अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। माय नेम इज़ मोहम्मद कजाफी अब्बासी। जर्मन हेनरी हेज ने ये लॉ प्रपोज किया 1840 में, विच स्टेट डेट हीट एवॉल्व आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर रिएक्शन टेक्स प्लेस। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज चेंज इन द एंथोल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वेदर इट टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन वन स्टेप और इनडायरेक्टली इन सेवरल स्टेप्स। बहुत ही आसान वर्ड्स में अगर इसको डिफाइन करें कि हेज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन वन स्टेप में हो रहा है या सेवरल स्टेप्स में प्रोसीड हो रहा है, तो उसमें जो हीट एवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी वो उसका अमाउंट सेम होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम एवॉल्व आर एब्जॉर्ब इन वन स्टेप आर इन सेवरल स्टेप्स। कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए चेंज टू डी इन अ सिंगल स्टेप विच चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच। कंसिडर द सेम रिएक्शन प्रोसीड्स। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर मौजूद है जिसमें ए से लेकर डी तक एक कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली ए से डी तक प्रोसीड हो रहा है तो उसमें जो एनर्जी इवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसकी जो एंथैल्पी होगी वो सेम होगी एज कंपेयर ये रिएक्शन ए से बी तक प्रोसीड हो और बी कन्वर्ट हो सी में और सी फाइनली कन्वर्ट हो जाए डी में। तो ये जो थ्री स्टेप रिएक्शन है इसका अगर डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री का सम करें तो वो इक्वल होगा डायरेक्ट रिएक्शन वाले एनर्जी के साथ। तो थ्रू मेनी स्टेप्स एज ए चेंज टू बी, बी चेंज टू सी एंड फाइनली सी चेंज टू डी विथ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू हेज़ लॉ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। फ्रॉम अबो इक्वेशन इट इज़ क्लियर डेट टोटल चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज इन डिफरेंट स्टेप्स। वेरिफिकेशन ऑफ हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ और ये एक स्टेप में अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और ये फॉर्म कर रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो जो हीट इवॉल्व होगी या हीट फॉर्मेशन होगी एंथैल्पीज वो -90 किलो जूल्स पर मोल होगी। अगर यही रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में किया जाए या टू स्टेप्स में किया जाए तो फर्स्ट स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि हीट प्रोड्यूस करेगा -49 किलो जूल्स पर मोल, और सेकंड स्टेप में जब ये रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट बनाएगा तो ये एंथैल्पी होगी -41 किलो जूल्स पर मोल। अगर इनको सम करें -49 और -41 को तो ये -90 किलो जूल्स पर मोल बन रही है। ये इक्वेशन की अगर हम इनकी इक्वेशन देखें तो कार्बन रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है और इस फर्स्ट स्टेप में हीट जो फॉर्म हो रही है वो -49 किलो जूल्स पर मोल और सेकंड स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये सोडियम कार्बोनेट बना रहा है और डेल्टा एच बन रही है -41 किलो जूल्स पर मोल। तो अकॉर्डिंग टू हेज़ लॉ द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द टू स्टेप इज इक्वल टू हीट इवॉल्व इन सिंगल स्टेप। एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस को कोशिश करते हैं समझने की कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल है लॉ। तो एप्लीकेशंस, द लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। द लॉ हेल्प इन कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन
एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन एंथैल्पीज व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है द हीट ऑफ फॉर्मेशन एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड ए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इट इज डिनोटेड बाई एच एफ एंड मेयर्ड इन किलोजोल्स पर मोल। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन वेयर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ डेटा मिली हुई है जिसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करेंगे इथेन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 moles ऑफ कार्बन एंड 3 moles ऑफ हाइड्रोजन ये फॉर्म कर रहे हैं इथेन को, जो कि C2H6 इसका फार्मूला है, और हमें HF हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। तो सेकंड जो इक्वेशन गिवन है उसमें कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और HF -349 किलोजोल्स पर मोल। और थर्ड इक्वेशन जो गिवन है वो H2 प्लस 1/2 O2 और ये फॉर्म कर रहा है H2O, और डेल्टा H या H हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो -286 किलोजोल्स पर मोल है। और जो बेसिक इक्वेशन है वो है C2H6 और ये O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 और 2H2O बना रहा है, और जो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 1560.632 किलोजूल्स पर मोल। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस गिवन हैं, अब हम इनका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो हमें पता है कि इस इक्वेशन में 3 moles ऑफ वाटर एंड 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं। तो इस वजह से हम इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 moles मौजूद हैं, और इक्वेशन नंबर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें 3 moles ऑफ वाटर मौजूद हैं। सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विथ 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 विथ 3 एंड देन ऐड देम। सबस्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम द ऑब्टेन इक्वेशन बाय एडिशन। तो फर्स्ट हम इस सॉल्यूशन में इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर सबस्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ जो कि हमें ऑब्टेन होगी। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन में -788 किलोजोल्स पर मोल और इक्वेशन नंबर 2 में -858 किलोजोल्स पर मोल। इन दोनों को अगर हम आपस में एडिशन करते हैं या सम करते हैं तो हमारे पास ये हीट ऑफ फॉर्मेशन -1646 किलोजोल्स पर मोल मिल रही है। और अगर हम दोनों में जो कॉमन है उनको अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, काटा कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो बचती है 2 mole ऑफ कार्बन, 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, और ये फॉर्म कर रहे हैं 1 mole ऑफ C2H6, और इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो -85.368 किलोजोल्स पर मोल। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।